क्या ये आप अपने राइट से करना हाँ, सम हमेशा राइट साइड बनते हैं, लेफ्ट साइड सम नहीं बनता। ये दूसरा सम हो गया, राइट हैंड को ऊपर लीजिए, ये अगला सम हो गया, लेफ्ट हैंड को नीचे खींचिए, ये अगला सम हो गया, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड को वापस उत्पत्ति पर रखिए, राइट हैंड को पीछे लीजिए, ये एक सम हो गया, राइट हैंड को उठा के सर के ऊपर पलट के ऐसे रखिए, ये एक सम हो गया, लेफ्ट हैंड को ऊपर कीजिए इस तरीके से, ये एक सम हो गया, लेफ्ट हैंड को नीचे कीजिए, ये एक सम हो गया, लेफ्ट हैंड कमर पे लीजिए और राइट हैंड कंधे पे रखिए, ये एक सम हो गया, राइट हैंड यहाँ रखिए, ये एक सम हो गया, दोनों हाथों को ऐसे पकड़ो, ऐसे सीधा ऐसे रहता, ये खड़े होने का अंदाज, ये भी एक सम हो गया। ऐसे बहुत सारे सम है जो कथक में यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो एक सम हम यहाँ बनाते हैं बच्चों के साथ, सामने देखो कैमरे पे। चलिए अब नमस्कार करके हम इस सेशन को एंड करें। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, मजा आया, कथक ठीक अच्छा लगा। चलिए गुड, नमस्कार। एक दो तीन चार पांच, थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां इन सभी के लिए। आप लोग स्कूल में हो तो रिसेस में टिफिन खाते हो, पानी पीते हो, ग्राउंड में खेलने आ जाते हो। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम कथक में खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं और सो भी सकते हैं। और क्वाइट एवरीवन, राइट हैंड बाहर कीजिए, इंडेक्स फिंगर आउट कीजिए, हाथ आगे कीजिए, ऊपर करो, सामने करो, इधर लाओ, बस बैठे रहो। ओके, तो हम कथक में खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं, सो भी सकते हैं। हमारे एमपी में तो अभी भी ठंड पड़ रही है, यहाँ आके मालूम पड़ा कि यहाँ भी ठंड है। तो ठंड में खाना पीना खाने के बाद रजाई होड़ के सोने का बड़ा आनंद आता है। किस किस को मजा आता है, हाथ उठा, सभी को। लेकिन सोने नहीं मिलता ना, स्कूल के बाद घर जाओ, खाना खाओ, सीधा कोचिंग। तो ये सीन कैसा बनता है वो देखते हैं कथक में। क्रिकेट खेलते हो? कौन कौन खेलता है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? यदि बॉल क्या बोलते हैं उसे, बाउंड्री के बाहर गई तो, बाउंड्री टच किया तो, कैच किया तो, क्रिकेट को कथक में लेके आते हैं, ठीक है। आप लोग देख बताना कि हम आउट हुए या फिर सिक्स पकड़ा, ओके। ये जो स्टोरीज है ये कथक में कैसे कैसे लेके आना है, वो पद्म विभूषण कथक सम्राट आदरणीय पंडित बिरजू महाराज जी की देन है। वो उन्होंने हर एक चीज को, प्रकृति में हो रही हर एक चीज को, हमारे पास हो रही हर एक चीज को कथक में समेटने का बहुत अति उत्तम प्रयास किया है। तो ये महाराज जी की देन है जो हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, क्रिकेट इन कथक। आउट हो गए, कंग्रेचुलेशंस। अच्छा आगे बढ़ते हैं कथक में। हमारा आखिरी प्रेजेंटेशन भावपक्ष। भावपक्ष में ठुमरी, दादरा, चैती, कजरी, भजन आदि परफॉर्म करते हैं। हम आपको कुछ अलग परफॉर्म करके दिखाते हैं।
हमारे इंडिया में 365 दिनों में 365 फेस्टिवल होते हैं। एक फेस्टिवल ऐसा होता है जहाँ पे हम नए कपड़े नहीं पहनते हैं और एक दूसरे को रंग लगाकर भूत बना देते हैं। होली यहाँ खेलते हैं। होली कौन कौन खेलता है? अरे वाह, वेरी गुड। खेलना, खेलते रहना, ठीक है? ओके, तो बस लास्ट है, ये लास्ट है, लास्ट है, लास्ट है। तो होली बेसिकली राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतीक है। हमारे भारत में ब्रज में, बरसाने में, मथुरा में, वृंदावन में, गोकुल में बहुत अच्छे से खेलते हैं। महीने महीने भर तक होली मनाते हैं। हम तो सिर्फ एक या दो दिन की होली खेलते हैं। तो होली में क्या होता है, हम एक दूसरे को रंग लगाते हैं। राधा कृष्ण का त्योहार है तो इस होली में हम आपको दिखाते हैं कि कैसे कृष्णा पिचकारी भर के राधा जी पर उड़ेल देते हैं, उनको पूरा गीला कर देते हैं। राधा जी हो जाती हैं गुस्सा, उसके बाद कान्हा को बोलती हैं रुक जा, मैं भी अब तेरे को कलर लगाती हूँ। कलर लेती हैं, कान्हा जी को पकड़ती हैं, ढूंढती हैं और उनके फेस पर गुलाल मल देती हैं और हंसती हैं। सॉरी। और कान्हा को चढ़ाती है के लिए मैंने भी रंग लगा दिया और ऐसे ही दोनों छेड़छाड़ करते हुए होली का आनंद लेते हैं। तो अकेले होली का आनंद राधा कृष्ण क्यों लें जब हम कथक नृत्य के माध्यम से आप सभी के साथ इस मंच पर होली का आनंद ले सकते हैं। और ये है लास्ट प्रेजेंटेशन, तो इसमें आप तालियां भी बजा सकते हैं, शाउटिंग भी कर सकते हैं और जितना चाहे आनंद ले सकते हैं। बैठे बैठे एंजॉय दिस परफॉर्मेंस प्रेजेंटिंग होली। थैंक यू सो मच। लेट्स मेक दिस कॉम्पिटिशन। हमारे परफॉर्मेंस में ज्यादा एनर्जी है, परफॉर्मेंस करने में ज्यादा एनर्जी है या आपके देखने में या आपके एंजॉय करने में एनर्जी है, ये इन बिटवीन परफॉर्मेंस पता चलेगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट एवरीवन।
बंद करने में दरवाजा, खोलने में रुकिए, कहने में ठंड में गालों को रब करने में, आंखें बंद करने में, मुंह बंद करने में, अच्छी बातें ना लगे तो खाने बंद करने के लिए, मेरे कपड़े कितने अच्छे लग रहे हैं बताने के लिए, मेरे कपड़ों पर धूल लग गई हटाने के लिए, खुला आसमान दिखाने के लिए, हवाएं दिखाने के लिए, झंडा दिखाने के लिए, धरती बताने के लिए, और अभी हमने यूज किया पानी बताने के लिए, प्रसाद लेने के लिए, और सबसे अधिक यदि कोई हमें परेशान करे, कोई छेड़े तो उसके गालों पर थप्पड़ लगाने के लिए भी पताक हस्त का प्रयोग करते हैं, और तब एक नहीं तीन चार पांच छह लगाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ मुद्राएं हम पताक हस्त जुड़ी आपको सिखाते हैं और उसको हम तिहाई में बांधते हैं। पताक हस्त बनाइए एवरीवन, इंडेक्स फिंगर। अच्छा, ये पांचों फिंगर्स के नेम पता है आपको? यस। इंग्लिश में बताइए। हिंदी में? अंगूठा। ये नहीं आता, ये थोड़ा आता, ये पूरा आता, ये कम आता। हिंदी में इनके नाम बता देते हैं आपको। ये अंगुष्ठ, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठिका। तो ये पांचों फिंगर्स के नेम है, एक बार और। अंगुष्ठ, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठिका। पांचों फिंगर्स को ज्वाइन करो, इंडेक्स फिंगर और थंब को ऐसे ले लो, ठीक है, और इनको अलग अलग कर दो ऐसे फिंगर्स को। बारिश में कौन सा पक्षी नाचता है? ओके, इसको हंसास्य बोलते हैं। पताक हस्त बनाइए, इंडेक्स फिंगर थंब को मिलाइए, तीन फिंगर्स को नीचे रखिए, इसे कहते कपित्थ, तोता मैना और कोयल पपीहा का भाव दिखाने के लिए, तोता मैना तोता मैना तोता मैना तोता मैना। पताक हस्त बनाइए, दोनों बीच के दोनों फिंगर्स के साथ अंगूठे को मिलाइए और बाकी फर्स्ट और लास्ट फिंगर को आउट कीजिए, इसे कहते हैं सिंहमुख। रामायण में सीता जी ने क्या देख के राम जी को उनको पकड़ने के लिए भेजा? हिरण। भगवान कृष्ण क्या चराने जाते थे? गाय। तो यदि इसको ऐसे प्यार करेंगे तो ये गाय, और यदि ऐसे करेंगे तो ये हिरण। ठीक है, पताक हस्त बनाइए, ऊपर की चार फिंगर्स को ऐसे बेंड कीजिए। ये किसके किस भगवान के गले का आभूषण है? उनके गले में जब तक है तब तक ये आभूषण है, अपने घर में निकल जाए सिट्टी पिट्टी गुम हो जाए, अपन अपने ही घर छोड़ के भग जाए, है ना? ओके, पताक हस्त बनाइए, यहाँ हाथ रखिए और उड़ जाइए। कौन से पक्षी के पंख बड़े होते हैं? शेर। ओके, वेरी गुड। पताक हस्त बनाइए, पांचों फिंगर्स को ऐसे रखिए, व्याघ्र। जंगल का राजा कौन? आपके घर का शेर कौन? चल झूठे। अच्छा सुनो, हाँ कुछ ने सही बोला, वेरी गुड। अच्छा कीप फाइट। एक यूनिवर्सल फैक्ट आपके साथ शेयर करते हैं, आपके घर पे शेर और शेरनी कोई नहीं होता, सिर्फ आपकी मम्मी होती है। यूनिवर्सल फैक्ट है, दुनिया के हर देश में, ठीक है। अब सवाल हमारा ये है कि पापा क्या होते हैं, तो आज एक काम करना, घर जाना, पापा जब काम से आ जाए ना तो पापा को सामने बैठाना, मम्मी को भी सामने बैठाना, ठीक है, और फिर इनसे पूछना कि आज हमारे स्कूल में एक सर आए थे, उन्होंने बोला कि घर में शेर और शेरनी तो मम्मी होती है, तो पापा आप क्या हो? पापा पहले आपको देखेंगे, फिर मम्मी को देखेंगे, मम्मी से शारों से पूछेंगे पता क्या बताऊं इसको। तो पूछना, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर देते हैं। पताक हस्त बनाइए, पांचों फिंगर्स को ऐसे रखिए, इसको मुकुल कहते हैं। क्या कहते हैं? मुकुल, छोटा करना, ठीक है। भगवान गणेश का वाहन क्या है? चूहा। चूहा या मूषक बोला है हमने, इसका आंसर पापा से कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है, कनेक्ट मत कर देना। ओके, तो ये कुछ मुद्राएं थी। कथक में तिहाई होती है, तिहाई मीन्स छोटे बोल का टुकड़ा जो तीन बार करने पर संपर आता है। दो प्रकार से होती है, बोल तिहाई, तगड़ 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 धाण धाण धा, कथक के बोल है, और होती है गिनती। मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है डांस में। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, आप सब पढ़ते हो, है ना? हम लोग भी पढ़ते हैं लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। कैसे?
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। अब इस तिहाई पे जो भी मुद्राएं हमने आपको सिखाई है वो हम प्रेजेंट करके दिखाते हैं। आपको रिकॉग्नाइज करना है कि कहाँ पे कौन सी मुद्राएं की थी। बट प्लीज सिट प्रॉपरली, ऐसे नी पे मत बैठो, अच्छे से बैठ जाओ। यस yes.